अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट चिप्स टी केक, वो भी एक ग्लास में जो इजीली सबके घरों में अवेलेबल होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये सबको बहुत पसंद आती है, ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए लें 150 ग्राम ऑल पर्पज फ्लावर, इसको मैदा भी कहते हैं, या आप इसको व्हीट फ्लावर से भी बना सकते हैं। 150 ग्राम पाउडर्ड शुगर, 150 ग्राम बटर, ये मैंने बटर लिया है, आप घी भी यूज कर सकते हैं या वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, ये आपको जो भी फ्लेवर का एसेंस पसंद हो आप वो ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून चोको चिप्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 एग। अब ऑयल से ग्लास को ग्रीस करेंगे, मैं ब्रश से ग्रीस कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं इस तरीके से। अब उस पर ऐड करेंगे ऑल पर्पज फ्लावर और उसको पूरे ग्लास में स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से कि पूरे में उसकी कोटिंग हो जाए ऑल पर्पज फ्लावर की, और एक्स्ट्रा ऑल पर्पज फ्लावर इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। उस पर बस जितनी की ज़रूरत है उतना ही ऑल पर्पज फ्लावर लें और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर कर दें। ये देखिए ऑयल और ऑल पर्पज फ्लावर इस तरीके से लगा लें ग्लास में। अब कढ़ाई को लो फ्लेम पे प्रीहीट होने रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए, स्टैंड रख देते हैं, आपके पास जो भी स्टैंड अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। उसको प्रीहीट होने रख देते हैं 30 मिनट्स। अब एक बाउल में अच्छे से ऑल पर्पज फ्लावर को छानेंगे, फिर उस पर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि बेकिंग पाउडर ऑल पर्पज फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको इतनी देर तक मिक्स करना है। अब एक और बाउल लें, उस पर ऐड करें बटर, उसको कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे। अब इस पर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर और इन दोनों को तब तक बीट करेंगे जब तक बटर अच्छे से फ्लफी ना हो। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप विस्क की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। ये देखिए बटर अच्छे से फ्लफी हो गया है, इसको इतनी देर तक बीट करना है 20-30 सेकेंड्स तक। फिर इस पर ऐड करेंगे एग और उसको भी बीट करेंगे, एक टाइम पे एक ही एग ऐड करेंगे, एक ही करके बीट करेंगे, फिर दूसरा ऐड करेंगे एग और उसको भी बीट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ये देखिए अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब स्पैचुला की मदद से साइड का निकाल लेंगे, फिर ऐड करेंगे वनीला एसेंस, उसको भी बीट करेंगे कुछ सेकेंड। अब उस पर ऐड करेंगे ऑल पर्पज फ्लावर और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सर बना के रखा था, उसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे, उसको इस तरीके से मिक्स कर लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब उस पर ऐड करेंगे चोको चिप्स और उसको भी मिक्स करेंगे। केक का बैटर बन के रेडी हो गया है। अब पाइपिंग बैग में बैटर डाल लेंगे और उसको पोर करेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप चम्मच से भी इसको डाल सकते हैं इस तरीके से। अब उस पर थोड़े से डाल देंगे ऊपर से चोको चिप्स, उसको बेक करें। कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब इस तरीके से ग्लास को इस पे रखेंगे और इसको लो टेम्परेचर पे 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 45 मिनट्स हो गए हैं केक अच्छे से बेक हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक स्टिक लें या नाइफ लें, अगर वो क्लीन बाहर आए, अगर उस पे केक का बैटर नहीं लगा तो ये अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए सारे केक अच्छे से बेक हो गए हैं, किसी पे भी केक का बैटर नहीं लगा। मैंने इस पर ऊपर से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर दिए थे, अब इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए टी केक बन के रेडी हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।